लीजिए हमारे पास है सोया 100 ग्राम, और ये हमारे पास दो टमाटर जो इनको मैंने ग्रेट किया यहाँ, इसमें हरी मिर्च, अनियन, गार्लिक, जिंजर, और ये हमारे पास है 2 बड़े चम्मच दही। यहाँ पर हमने फ्राई करने के लिए पैन चढ़ा दिया, 2 चम्मच हमने ऑयल डाला हुआ है। अब जैसे ही मेरा तेल हो जाएगा मैं डाल दूँगी इसमें अपनी नगेट्स डालूँगी। इसके बाद इसको अच्छे से फ्राई कर लूँगी मीडियम आँच पर, फ्लेम को मीडियम ही रखें, हाई ना करें, नहीं तो जल्दी से जलने लगेगी, अंदर अच्छे से करारापन इसमें नहीं आएगा और नहीं अच्छे से फ्राई होगी। तो इसको हम अच्छे से मीडियम फ्लेम पर इसको अच्छे से फ्राई कर लेंगे धीरे धीरे से। ये देख लीजिए हल्का सा कलर आने लगा है यहाँ पर, और इसको चलाते रहिए। देखिए फ्रेंड्स अच्छा सा कलर अब आ रहा है, आप इसको चलाते रहिए। ये देखिए जब अच्छे से फ्राई हो जाएगी तो इसको मैं निकाल लूँगी पैन में से। इसमें अच्छा सा कलर आ गया है, और फ्राई करने से क्या होता है जो हम इसके अंदर जितना मॉइस्चर होता है वो ख़त्म हो जाता है। इसको मैंने काफ़ी पानी निकाल दिया था इसलिए इसको फ्राई कर लेना चाहिए। अब यहाँ पर मैं 2 बड़े चम्मच ऑयल डालूँगी पैन में, जैसे गर्म होता है इसमें डालूँगी। थोड़ा सा जीरा डालूँगी, जीरा डालने के बाद जिंजर, गार्लिक, अनियन पेस्ट डालूँगी, चिली पेस्ट डालने के बाद इसको अच्छे से धीमी आँच में ही पकाएंगे। इसको अच्छे से चलाते हुए पका लेंगे, इसमें एक अच्छा कलर आ जाएगा। फिर अपने इसमें मसाले ऐड करेंगे, सबसे पहले तो इसमें ऐड करेंगे टमाटर। फ्रेंड्स कभी अगर कोई सब्ज़ी नहीं आए या कोई जल्दी से सब्ज़ी बनानी है तो आप कभी भी आप इस सब्ज़ी को आप ट्राई कर सकते हैं, बना सकते हैं। बहुत ही स्वाद आता है, बहुत ही टेस्टी लगती सब्ज़ी, और जल्दी भी बन जाती है, टेस्टी भी होती है और सबको पसंद भी आएगी। तो यहाँ पर अपने हम टमाटर ऐड कर देंगे। टमाटरों को मैंने पूरे डाला हुआ है, आप चाहें तो इसको कट करके छोटे छोटे टुकड़ों में आप कट कर सकते हैं, वैसे डाल सकते हैं। ऐसे डालेंगे तो ग्रेवी में जो स्मूथनेस होती है काफ़ी स्मूथ रहेगी ग्रेवी। ये देख लीजिए तो अब इसमें ऑयल छोड़ने लगा है, और थोड़ा सा चला लेंगे। इसके बाद इसमें ऐड करेंगे मसाले। ये देखिए मसाले सब सारे हमारे क्या बोलते हैं मसालों से तेल छोड़ने लगा। तो यहाँ पर हम डालेंगे हल्दी पाउडर, ये डालेंगे गर्म मसाला पाउडर, और डालेंगे यहाँ पर हम धनिया पाउडर, ये 2 चम्मच डालेंगे हम धनिया पाउडर, देख लीजिए। और यहाँ पर फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, मीडियम भी नहीं यहाँ पर लो रखेंगे, नहीं तो हमारे मसाले जल जाएंगे। यहाँ पर हमने देगी मिर्च डाली है जिससे कलर देती, कड़ी नहीं होती, तीखी नहीं होती है। इसके बाद इसको चला लेंगे। चलाने के बाद जब इससे ऑयल सेपरेट हो जाएगा तुरंत इसमें पानी नहीं डालेंगे, क्योंकि हमारे मसालों में काफ़ी मॉइस्चर है, टमाटर का काफ़ी मॉइस्चर है, और प्याज अनियन प्याज का भी है, गार्लिक का है, काफ़ी मॉइस्चर। उसी मॉइस्चर में ही मसालों को पहले काफ़ी अच्छे से भून लेंगे। जब इसका तेल सेपरेट होने लगेगा फिर इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। ये देख लीजिए यहाँ पर देखिए तेल सेपरेट होने लगा, ये देख लीजिए अच्छे से। अभी मैंने इसमें पानी ऐड नहीं किया है, इसको और थोड़ा सा चला लेंगे। ये देख लीजिए कितना अच्छा कलर आया है, और अच्छे से पक चुका है, सब सिमट कर एक ही जगह पर लग गया, मतलब इसका मतलब ये है कि अच्छे से ये पक चुका है। ये देख लीजिए, ये तो इसमें डाल देंगे थोड़ा सा पानी। पानी डालने के बाद फिर हम मसालों को अच्छे से पका लेंगे, मीडियम फ्लेम पर ही पकाएंगे, फ्लेम को तेज़ नहीं करेंगे। ये देख लीजिए कितना अच्छा कलर आया है, ये देख लीजिए, और अच्छे से पकने देंगे। अब जब इसके पकने के बाद जब तेल सेपरेट हो जाएगा उसके बाद हम दही को ऐड करेंगे। अभी अपने मसाले को ही पकने देंगे, जिसमें अच्छे से मसाले, कहते हैं कि जितने मसाले अच्छे से पकेंगे उतनी ही खाने का टेस्ट अच्छा आता है, उतनी ही सब्ज़ी का टेस्ट अच्छा आता है। जब भी आप बनाएं तो मसालों को अगर पका रहे हैं तो जब तक पकाएं जब तक उनका ऑयल सेपरेट ना हो जाए, देखिए सब्ज़ी का एक अलग ही टेक्स्चर होता है, अलग ही स्वाद होता है उस सब्ज़ी में। देख लीजिए यहाँ पर हमारी सब्ज़ी का जो वो सारी मसालों का जो तेल है छूटने लगा है, आप खुद देख पा रहे होंगे। ये देख लीजिए थोड़ा सा और चला लेंगे, इसमें और थोड़ा सा पक जाए। यहाँ पर हम डाल देंगे कसूरी मेथी, ये देखिए 1 चम्मच हमने कसूरी मेथी डाल दिया इसी मसाले पर, और पकने देंगे थोड़ी देर। इसके मसालों के साथ कसूरी मेथी को पकाएंगे, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, किसी भी सब्ज़ी में आप ऐड कर दीजिए बहुत अच्छा टेस्ट आता है। अब ऐड कर लेंगे दही, क्योंकि हमारे देखिए मसालों में से तेल सेपरेट हो रहा है। अब यहीं पर हमने गैस को एकदम लो कर दिया है, और इसके बाद डाल दिया है दही। दही हमारा होममेड दही है, आप चाहे तो मार्केट का यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए अच्छे से चला लेंगे। अच्छे से चलाने के बाद इससे तेल सेपरेट हो जाएगा, तब हम नगेट्स को ऐड करेंगे। ये देखिए कितने अच्छे से पकने लगा, अच्छे से मैंने सारे दही को मिला लिया है। ये देखिए
तेल सेपरेट होने को आ गया। आप खुद देख पा रहे होंगे, ये देखिए कितना अच्छे से तेल सेपरेट हो रहा है। दही डालने के बाद भी मैं इसको मसालों को हमने काफ़ी अच्छे से पकाया है, 2 से 3 बारी मैंने बिल्कुल तेल सेपरेट हो गया, तभी क्या बोलते हैं अगला स्टेप लिया है। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे अपने नगेट्स को, नगेट्स हमारे जो हमने फ्राई किया हुआ था, आप ऐसे फ्राई करके डालेंगे तो बहुत अच्छा स्वाद आता है। और उसके बाद फिर क्या होता है, जो अगर हम फ्राई करके नहीं डालते हैं तो जो इनको जो बॉयल करने में और पानी निकाल देते हैं, लेकिन एक अंदर से जो पानी वाला जो मॉइस्चर पिचा से जो मॉइस्चर होता है वो बना ही रहता है। जब आप इसको फ्राई कर लेते हैं तो वो चीज़ कभी नहीं होती, और भी टेस्ट बढ़ जाता है फ्राई करने के बाद। अब इसको अच्छे से मिला लेंगे, मिलाने के बाद इसमें हम ठंडा पानी नहीं डालेंगे। ये देखिए पानी को हम बॉयल कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा 1 बड़ा गिलास पानी बॉयल हो रहा है। बॉयल करने के बाद तब इसमें डालेंगे, अभी इसको थोड़ा अच्छे से मिला लेंगे, थोड़ा पकेगा, अब डाल देंगे इसमें हम पानी। तो हमने 1 बड़ा गिलास पानी डाल दिया इसमें। अगर आप थोड़ा सा ग्रेवी वाला चाहते हैं तो आप थोड़ा सा ज़्यादा पानी डाल दीजिए, अगर ग्रेवी नहीं चाहिए तो आप बहुत ही थोड़ा पानी डालिए, ताकि इसमें बस जो मसाले हैं उसी नगेट्स में लिपट जाएँ। तो सब्ज़ी मेरी अच्छे से अब बॉयल हो रही है, ये देखिए तेल भी अलग दिख रहा है। अच्छे से बॉयल होने के बाद अब इसमें डाल देंगे हम नमक, नमक हमने सबसे लास्ट में डाला है, ये देख लीजिए। तो आप तीखा और नमकीन तो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही मतलब डालिएगा। ये देख लीजिए अच्छे से पक रही है, अच्छे से इसमें जो बॉयल है, इसमें पकने में 4 से 6 मिनट लग जाते हैं मीडियम फ्लेम पर। तो ये मेरी खाने के लिए तैयार है, ये मैं पराठों के साथ खाऊंगी, इसलिए मैंने इसमें ज़्यादा ग्रेवी नहीं रखी। अगर आपको क्या बोलते हैं ऐसे राइस के साथ खाने तो आप थोड़ा सा ग्रेवी रख सकते हैं, लेकिन मुझे ऐसे ही खानी है तो मैंने पराठों के साथ, तो मैंने इसमें ग्रेवी नहीं रखी, एकदम सूखी बनाई है। आप अगर ग्रेवी वाली चाहिए तो आप जब थोड़ा सा पानी ज़्यादा ऐड कर सकें। तो फ्रेंड्स खाने के लिए तैयार है, आप बने रहिए मेरे चैनल पे, इसको ज़रूर ट्राई करिएगा, लाइक।